आपका स्वागत है कीवा डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए? इसमें शून्य इन्वेस्टमेंट है, आर्थिक आजादी है, समय की आजादी है, कोई रिस्क नहीं है, किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है और इसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है और अपने सपने पूरे कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरे की मदद करने का बिजनेस है। 40 साल का प्लान और 4 साल का प्लान। 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 12 महीने में आप कमाएंगे 1,20,000 और 40 साल में 48 लाख रुपए। वहीं 1,01,000 के हिसाब से 12 महीने में आप कमाएंगे 12 लाख रुपए और 4 साल में 48 लाख रुपए। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शामिल होने से आप अपने जीवन के 36 साल बचा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कैसे बेहतर है? ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप की लागत 3 करोड़ रुपए, डायरेक्ट सेलिंग सेटअप लागत सिर्फ मेंबरशिप फीस। ट्रेडिशनल बिजनेस मासिक किराया, डायरेक्ट सेलिंग मासिक किराया कोई नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस 12 से 14 घंटे रोज काम करना पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग 2 से 4 घंटे रोज काम करना पड़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में परिवार के लिए कम समय बच पाता है, वहीं डायरेक्ट सेलिंग परिवार के लिए ज्यादा समय बच पाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर दुकान बंद, कोई आय नहीं, ट्रांसपोर्ट शुल्क, कर्मचारियों का वेतन, पानी और बिजली के बिल, वकील चाहिए, अकाउंटेंट मुनीम चाहिए, सार्वजनिक छुट्टियों में बिजनेस बंद। वहीं डायरेक्ट सेलिंग में कोई ट्रांसपोर्ट शुल्क नहीं, कर्मचारियों का वेतन नहीं, पानी और बिजली के बिल नहीं, वकील नहीं चाहिए, अकाउंटेंट मुनीम नहीं चाहिए, सार्वजनिक छुट्टियों में बिजनेस बंद नहीं करना पड़ता। संदेह और भय। इंसान को दो तरह के डर होते हैं, अस्वीकृति का डर, असफलता का डर। यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार असफल हुए, यह मायने रखता है कि आप गिरने के बाद कितनी बार फिर से खड़े हुए। बार बार कोशिश द्वारा अपने डर को जीतिए। माइकल जॉर्डन, उसने अपने पूरे करियर में 9,000 से अधिक शॉट चुके और लगभग 300 गेम हारे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। यह वजह है कि वो आज एक सफल प्लेयर है। डर के आम कारण, सहपाठियों की अस्वीकृति का डर, सहयोगियों की अस्वीकृति का डर, दोस्तों की अस्वीकृति का डर, पड़ोसियों की अस्वीकृति का डर, रिश्तेदारों की अस्वीकृति का डर, परिवार की अस्वीकृति का डर। निराशा को कैसे दूर करें? अपने सपनों पर ध्यान दें और नकारात्मक विचारों व निराशा से बचें। याद रखें, कुछ आपकी टीम में शामिल होंगे, कुछ आपकी टीम में शामिल नहीं होंगे। तो क्या, आगे बढ़ो, सकारात्मक सोच रखो। सफलता प्राप्त करने के लिए इन 4 चीजों का ध्यान रखें। रवैया यानी एटीट्यूड, आस्था यानी विश्वास, प्रतिबद्धता, इच्छा शक्ति। सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। एटीट्यूड, कौशल और शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है एटीट्यूड। विनम्र रहें, धैर्य रखें, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ वाला रवैया ना रखें। बिजनेस को जल्दी से जल्दी सीखें। विश्वास, हमेशा अपने कंपनी, प्रोडक्ट, अपलाइन, डाउनलाइन और अपने आप पर विश्वास रखें। प्रतिबद्धता के 3 स्तर, मैं कोशिश करूंगा, मैं अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, मैं ये बिजनेस जरूर करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इच्छा शक्ति, एक सफल व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति के बीच जो फर्क है वह शक्ति और ज्ञान का नहीं है बल्कि इच्छा शक्ति का होता है। इस बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर कैसे शुरू करें? इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको इन कलाओं यानी तकनीकों को सीखना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग की कला यानी अपने बिजनेस में शामिल होने के लिए लोगों को ढूंढना। इन्विटेशन यानी निमंत्रण देने की कला, प्रेजेंटेशन देने की कला, फॉलोअप की कला, सील को क्लोज करने की कला। प्रोस्पेक्टिंग की कला, मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, निजी पार्टियों में जाएं और लोगों से बिजनेस की बात करें। उन्हें ब्रोशर दें, उनके नाम, नंबर और ईमेल लें और अगले दिन उन्हें फोन जरूर करें। ये महत्वपूर्ण है कि आप उन लोगों को ढूंढें जिन्हें आप जानते हैं। फोन करके लोगों को ढूंढें। रोज 20 कॉन्टैक्ट बनाएं जिससे एक हफ्ते में 140 कॉन्टैक्ट बनेंगे। उनमें से 20 तो हाँ करेंगे, उनमें से प्रति सप्ताह 3 साइन अप करेंगे जिससे एक हफ्ते में 12 साइन अप होंगे। एक साल में करीब 144 साइन अप हो जाएंगे। जरा सोचिए। क्षेत्रों के अनुसार लोगों को ढूंढें। ऐसे क्षेत्रों को ढूंढें जहां पहले से काम ना हुआ हो, जहां कोई भी आपके उत्पादों के बारे में ना जानता हो। अगर किसी क्षेत्र में आपने 20 से 50 लोग ढूंढ लिए हैं तो फिर उनके साथ मीटिंग करें। ध्यान रखें, हर कोई प्रोस्पेक्ट है। हर व्यक्ति जिसे आप जानते हैं वह एक प्रोस्पेक्ट है। हर व्यक्ति जिसे आपका प्रोस्पेक्ट जानता है वह भी एक प्रोस्पेक्ट है। हर व्यक्ति जो आपको कभी मिले हैं और कभी मिलेंगे प्रोस्पेक्ट है। प्रति एक व्यक्ति जो आपके 10 फीट के भीतर चलता है, सांस लेता है, एक प्रोस्पेक्ट है। याद रखें, लोगों को ढूंढना ना निकले, जो रास्ते में मिल जाए वही प्रोस्पेक्ट है। इन्विटेशन यानी निमंत्रण देने की कला।
फिर अपने टॉप 20% प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए बुलाएं और इनविटेशन को जितना हो सके सरल रखें। अपने प्रोस्पेक्ट को ऑडियो वीडियो सीडी दें। अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान प्रोडक्ट मीटिंग सेमिनार की सीडी दें और अगले दिन उन्हें लेने के लिए जरूर जाएं। अप्रोच, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है और मैं आपकी राय चाहता हूँ। आज रात इस वीडियो को देखें, मैं कल इसे लेने के लिए आऊंगा। प्रेजेंटेशन देने की कला, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट और बिजनेस सिस्टम को कैसे समझाना है। जितना जल्दी हो सके ट्रेन हो जाएं और स्वतंत्र तौर पर ट्रेनिंग देना शुरू करें। अपने कोच या अपलाइन को गौर से देखें और घर पर अभ्यास करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, याद रखें, प्रैक्टिस से ही आप परिपूर्ण बन सकते हैं। फॉलोअप की कला, 48 घंटे वाले रूल को याद रखें। 48 घंटे के भीतर अपने प्रोस्पेक्ट से फॉलोअप जरूर करें और उनके उत्साह को कम न होने दें। उनके फैसले का इंतजार ना करें। जितना जल्दी आप अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप करेंगे उतनी उनके हाँ करने की संभावना बढ़ जाएगी। लोहा जब गर्म हो तब उस पर चोट करना ठीक होता है। अक्सर प्रोस्पेक्ट ढीले फॉलोअप की वजह से इस अद्भुत बिजनेस को छोड़ देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि प्रोडक्ट कहाँ से लें और बिजनेस को कैसे चलाएं। जो लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं उनसे प्रोडक्ट का फीडबैक लें। सेल को क्लोज करने की कला, अगर आपके प्रोस्पेक्ट को कोई संदेह है तो उसे दूर करें। उन्हें इस बिजनेस के फायदे और नुकसान जरूर बताएं, परंतु इस अद्भुत बिजनेस अवसर की क्षमता पर जोर दें। अपने प्रोस्पेक्ट को यकीन दिलाएं कि वह ये बिजनेस कर सकते हैं। उन्हें ज्वाइनिंग के लिए अलग अलग ऑफर और पैकेज दें। याद रखें, हर नए कस्टमर को अपने अपलाइन के साथ भी जोड़िए। हमेशा अपने डाउनलाइन और अपलाइन में ब्रिज का काम करें। जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। धन्यवाद।